नैब ने शुगर स्कैंडल में तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वुजरा मियां असलम इकबाल और समीउल्लाह चौधरी को 4 मई को तलब कर लिया। शुगर सब्सिडी और बरामद से मुतालिक इजाजतनामों का रिकॉर्ड भी साथ लाने की हिदायत कर दी। सूबाई वजीर मियां असलम ने नैब नोटिस मिलने की तरदीद कर दी, कहा कि शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं है, अगर नैब का नोटिस मिला तो ज़रूर वजाहत दूंगा। चीनी बहरान की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गई। वज़ीर सनअत व तिजारत पंजाब मियां असलम इकबाल नैब के रडार पर आ गए। नैब रावलपिंडी ने 4 मई को पेश होने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर खुराक समीउल्लाह चौधरी को भी बुला लिया गया। ज़रा के मुताबिक नैब की कम्बाइन इन्वेस्टिगेशन टीम दोनों हुकूमती मेम्बरान से तफ्तीश करेगी। दो 2018 से 2019 के दौरान किस शुगर मिल को कितनी सब्सिडी दी गई, नैब ने तमाम रिकॉर्ड साथ लाने का कह दिया। एक्सपोर्ट का इजाजतनामा देने का रिकॉर्ड भी तलब किया गया। सूबाई वज़ीर मियां असलम ने नैब नोटिस मिलने की तरदीद कर दी, कहा कि शुगर स्कैंडल से कोई लेना देना नहीं, अगर नैब का नोटिस मिला तो जरूर वजाहत दूंगा। ज़रा के मुताबिक नैब शुगर स्कैंडल की तहकीकात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 के तहत कर रहा है।